नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जब ये कहानी मैं यहां रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूं तो क्राइम की दुनिया में बड़ी हलचल है। वजह है यूपी के माफिया सरगना अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर। जी हां, आप सबको पता है कि यूपी पुलिस ने असद अहमद और उसके एक साथी शूटर गुलाम मोहम्मद को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और इस एनकाउंटर से जुड़ी तमाम खबरें आप क्राइम तक पर देख रहे हैं। लेकिन मैं जो कहानी आज आप सबके सामने लेकर आया हूं वो कहानी कत्ल की तो है ज़रूर, लेकिन कत्ल की जो दूसरी घटनाएं होती हैं जिसे हम एक कॉमन केस ऑफ मर्डर कह सकते हैं, उससे बिल्कुल हटकर है। और वो इसलिए हटकर है क्योंकि आज के दौर में कोई इंसान ऊपर वाले को खुश करने के लिए, देवी माँ को खुश करने के लिए, अपने ही जैसे किसी दूसरे इंसान की जान ले ले, यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस करे, नरबलि दे, इस बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। मगर आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ वो कुछ ऐसी ही है। कहाँ का है ये मामला, ये घटना कब हुई, कैसे पुलिस ने इस केस को डिटेक्ट किया, इसके पीछे की कहानी पूरी क्या है, रहस्य क्या है इसका, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी बातें बताते हैं। ये घटना है 19 जून 2019 की और जगह है कामाख्या मंदिर के पास। आप सबको पता है कि कामाख्या हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल है जिसे देवी माँ की शक्तिपीठ के तौर पर जाना जाता है। कामाख्या असम में है, गुवाहाटी के पास में, और यहाँ पर साल में एक बार बहुत बड़ा अनुष्ठान और मेला लगता है जिसे अंबुबाची मेले का नाम दिया जाता है। कहते हैं कि इस अंबुबाची मेले के समय देवी माँ की आराधना करने से वो हर मनोकामना पूरी करती है और देश दुनिया में जितने साधक हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हैं और तंत्र मंत्र में जिन लोगों की बड़ी आस्था है या जो लोग ये काम करते हैं वो इस मंदिर में इस वक्त अंबुबाची के मेले के दौरान हाजिर होते हैं, माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन पूजा अर्चना के क्रम में कोई किसी इंसान की जान ले ले, इसको न तो कानून सम्मत तरीके से सही ठहराया जा सकता है और न ही धर्म सम्मत तरीके से। लेकिन ये घटना कुछ ऐसी ही है। हुआ ये 19 जून 2019 यानी 19 जून 2019 को कामाख्या मंदिर के पास एक और मंदिर है जो इसी कामाख्या मंदिर का ही एक छोटा यूनिट है, दूसरा यूनिट है, उसे जय दुर्गा मंदिर के नाम से जानते हैं, जय दुर्गा मंदिर। तो उस मंदिर की सीढ़ियों पर लोगों को एक कंबल में लिपटी हुई सिरकटी लाश मिलती है। पहले तो कंबल को देखकर लोगों को समझ में नहीं आता कि ये मामला क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद कोई सीढ़ियों पर लेटा हुआ है, लेकिन जब देर तक उसमें कोई हलचल नहीं होती, आसपास के लोगों की नज़र उस पर जाती है और लोग कंबल में लिपटे हुए शख्स को जगाने की कोशिश करते हैं तो वो नाकाम रहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई शख्स सो तो नहीं रहा था बल्कि वहाँ सिरकटी लाश थी जो कंबल में लिपटी हुई थी। इसके बाद जैसे ही ये खबर सामने आती है, लाश के रहस्य से पर्दा हटता है, तो फिर पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। फौरन वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो मौके पर पहुँचती है और पुलिस इस मामले की जाँच शुरू करती है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो सिरकटी लाश है वो एक महिला की है और उस कंबल में महिला के धड़ यानी हाथ पांव और टोर्सो जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उस महिला की पहचान पता की जाए, उस महिला की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो पाए। तो पुलिस इस मामले की तफ्तीश तो करना चाहती है, शुरुआत भी करती है, डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाती है, मगर महिला की पहचान नहीं हो पाने की वजह से पुलिस जो है बिल्कुल अंधेरे में एक तरह से तीर चलाने लगती है और उसे इस मामले की तफ्तीश में कोई ज़्यादा कामयाबी शुरुआती दिनों में नहीं मिलती। वक्त गुजरता जाता है, तकरीबन एक महीने का वक्त गुजरता है और एक महीने बाद एक शख्स जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, वो पश्चिम बंगाल से अपनी लापता माता जी को ढूंढता हुआ इस कामाख्या मंदिर के इलाके में पहुंचता है, क्योंकि उसे ये जानकारी है, उसे ये खबर है कि उसकी माँ आखिरी बार घर से निकलकर कामाख्या मंदिर में ही पूजा पाठ के लिए गई थी और उसके बाद से वो लापता हो गए, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो ये जो शख्स है इसका नाम है सुरेश साव और ये सुरेश साव अपने माता को ढूंढते हुए जब कामाख्या मंदिर के पास पहुंचते हैं तो उसे पता चलता है कि यहाँ सीढ़ियों पर अब से कोई एक महीने पहले, जिस समय उसकी माताजी गुम हुई थी, उसी समय एक महिला की सिरकटी लाश पड़ी हुई मिली थी। ये सुनकर वो अंदर से बहुत डर जाता, उसे लगता है कहीं ये हादसा
उसी के साथ या उसी के मतलब उसी के परिवार के साथ तो नहीं हुआ है, तो वो जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसे जालुकबाड़ी पुलिस स्टेशन कहते हैं, वो जालुकबाड़ी पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी माँ की गुमशुदगी के बारे में पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले अब उसे उस डेड बॉडी के साथ जो भी चीज़ें थी, चाहे मतलब वो कपड़ा था, कोई ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी, प्लस जो डेड बॉडी थी उसकी कुछ तस्वीरें दिखाती है, और ये सारी चीज़ें देखते ही वो शख्स जो है वो ज़ोर से चीख कर रोने लगता है। वो बताता है कि ये सिरकटी लाश जो है उसकी माँ की है, जिसका नाम था शांति देवी यानी शांति साव, और उनकी उम्र थी तकरीबन 65 साल। उनके शरीर पर बाह में कुछ टैटू वगैरह बने हुए थे जिससे उनके बेटे को अपनी माँ की लाश को पहचानने में थोड़ी मदद मिली। और जब पुलिस को ये पता चल जाता है कि ये महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और एक महीने पहले यहाँ पूजा पाठ के लिए आई थी और उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, तो पुलिस इस मामले की छानबीन और तेज़ करने की कोशिश करती है, मगर उस मामले की तफ्तीश में पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा हेडवे या लीड नहीं मिल पाती है और धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। और इस तरह से तकरीबन 4 सालों का वक्त गुजर जाता है और अब जाकर 2023 के शुरुआती दिनों में इस केस से जुड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस केस से जुड़ी एक लीड पुलिस के हाथ लगती है, जिसमें एक मुखबिर पुलिस वालों को ये बताता है कि कामाख्या मंदिर के पास जो जय दुर्गा मंदिर है, उस मंदिर की सीढ़ियों पर जो 4 साल पहले एक महिला की सिरकटी लाश मिली थी, उस महिला के कत्ल से एक तांत्रिक का लेना देना है, और वो तांत्रिक पश्चिम बंगाल के ही कूच विहार इलाके में रहता है और उसका नाम है कैलाश बर्मन। अब ये बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस को लगता है कि कहीं ये मामला ह्यूमन सेक्रीफाइस का तो नहीं है, क्योंकि पहले जो है पुलिस इस केस को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न में थी कि ये ह्यूमन सेक्रीफाइस का मामला भी हो सकता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि क्रिमिनल किसी की दुश्मनी में हत्या करते हैं और उसके बाद उसे कुछ और मोड़ देने के लिए उसे ह्यूमन सेक्रीफाइस या तंत्र मंत्र से जोड़ देते हैं, तो इसीलिए पुलिस को पहले कन्फर्मेशन नहीं था कि ये मामला ह्यूमन सेक्रीफाइस का यानी नरबली का है या नहीं, लेकिन जब तांत्रिक की बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस को लगता है कि इस मामले का तंत्र मंत्र और ह्यूमन सेक्रीफाइस से कोई वास्ता, कोई कनेक्शन ज़रूर है। अब पुलिस कुछ बिहार पहुंचती है और कैलाश बर्मन के घर में धावा बोलती है, पुलिस उसे पकड़ती है और पकड़ने के साथ ही उसके घर की तलाशी लेते पूछताछ करती है, और वहां से पुलिस को जो चीज़ें हाथ लगती है उससे इस केस के सॉल्व होने की बुनियाद तकरीबन तैयार हो जाती है। इस तांत्रिक के घर से पुलिस को वो जो महिला गुम हुई थी शांति साव, उनका आधार कार्ड, उनके मोबाइल फ़ोन का हैंड मतलब मोबाइल फ़ोन हैंडसेट और कई दूसरे बिलोंगिंग्स, दूसरी चीज़ें हाथ लगती है, पुलिस को मिलती है ये चीज़ें। अब पुलिस जब कैलाश बर्मन से पूछताछ करती है तो कैलाश बर्मन जो है बताता है कि ये सारी चीज़ें मैंने खुद तो नहीं ली, मुझे नहीं पता, लेकिन एक और तांत्रिक हैं जिनका नाम है माता प्रसाद पांडे, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने ही मुझे कामाख्या में आज से कोई 4 साल पहले ये पैकेट दिया था और उसके बाद से ये पैकेट मेरे पास ही है, मैंने अपने पास रखा हुआ है। अब पुलिस को इस मामले की तफ्तीश में एक दिशा मिल चुकी थी और पुलिस अब इसी दिशा में मामले की तफ्तीश आगे बढ़ा रही थी। पुलिस ने अभी पिछले महीने 24 मार्च को मध्य प्रदेश के जबलपुर में माता प्रसाद पांडे के ठिकाने पर छापेमारी की और छापेमारी करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया, और जब उससे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। वो जो महिला थी 65 साल की शांति साव, उनका वाकई नरबली के इरादे से कत्ल किया गया था, और कत्ल की इस जघन्य घटना में कोई एक दो नहीं तकरीबन 12 लोग शामिल थे। जी हाँ, तकरीबन 12 लोगों ने मिलकर एक महिला को धोखे से गुमराह करके पूजा पाठ के बहाने कामाख्या तक लेकर आए और लेकर आने के बाद उनकी हत्या कर दी ताकि इस नरबली से देवी माँ खुश हो जाए। कैसे सिर फिरे, कैसे अजीब और कैसे गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम दिया। माता प्रसाद पांडे से जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने इस कत्ल की बात तो कबूली, साथ ही ये भी बताया कि हत्या की इस घटना को उन्होंने अंबुबाची मेले के दौरान ही 18 और 19 जून 18th and 19th June 2019
यानी 2019 में इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। और ये सब कुछ हुआ था एक जजमान यानी जो पूजा पाठ कराता है, जो भक्त है, उसके कहने पर। और उसका नाम है प्रदीप पाठक। प्रदीप पाठक बेसिकली उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला एक शख्स है जो अपने मर चुके भाई की आत्मा की शांति और बेहतरी के लिए एक अनुष्ठान कामाख्या मंदिर में करना चाहता था। और इसी अनुष्ठान के तहत उसने एक किसी की नरबलि देने की प्लानिंग की थी और इसके लिए उसे इन तांत्रिकों ने उकसाया था, सुझाव दिया था। और इस आदमी ने, प्रदीप पाठक ने, इस नरबलि के लिए जिन लोगों को भी अपने इस साजिश में शामिल किया, तकरीबन 8 से 9 लोग, उन सारे लोगों को उसने 10-10 हज़ार रुपये दिए थे। और प्लानिंग के मुताबिक जो महिला है शांति साहु, वो 1-2 साधुओं के साथ पश्चिम बंगाल से चलकर कामाख्या घूमने आई थी। उसे उन्हें जो है खास पूजा दिखाने के बहाने ये तांत्रिक लोग सबसे पहले लेकर गए एक शमशान में जो कामाख्या मंदिर के पास है, जिसे भूतनाथ के नाम से जानते हैं। उस शमशान में आधी रात को पूजा के बहाने ये तांत्रिक उसे लेकर गए और लेकर जाने के बाद उनको जमकर शराब पिलाई। इतनी ज़्यादा शराब पिलाई कि वो महिला फिर अपने सेंसेस में नहीं रही। और ऐसा करने के पीछे आप समझ सकते हैं कि वही उद्देश्य था कि वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कि उसकी हत्या आसानी से की जा सके, उसकी बलि जो है आसानी से दी जा सके। तो इस तरह से शांति देवी को उन्होंने जमकर शराब पिलाई पूजा पाठ और प्रसाद के नाम पर। और सबसे पहले तो शमशान में पूजा पाठ का जो अनुष्ठान है, तंत्र मंत्र है, वो सब किया। और उसके बाद उसको लेकर आए बाकी 2 मंदिरों में, यानी कामाख्या मंदिर और पास के ही जय दुर्गा मंदिर। तो इन तीनों मंदिरों में, मतलब शमशान में और इन दोनों मंदिरों में पूजा की पूरी प्लानिंग थी। और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिला को इंटॉक्सिकेशन करके, शराब पिलाकर जब जय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों के पास लेकर आए, तो रात के अंधेरे में ये देखते हुए कि कोई वहाँ पर मौजूद ना हो, उन लोगों ने पहले उस महिला के हाथ पांव पकड़े और एक बड़े से खड़ग से, जिसे दाव भी कहते हैं, उससे उन्होंने उस महिला की बलि दे दी, यानी उनका गला काट दिया। इसके बाद उन सारे तांत्रिकों ने मिलकर जो भी अनुष्ठान करना था, हैवानियत से भरा हुआ, वो अनुष्ठान उन्होंने किया। और इस कटे हुए सिर को उन्होंने एक प्लास्टिक में पैक करके कथित तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दिया, उसका विसर्जन कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। और जो डेड बॉडी थी, सिरकटी लाश, उसे कंबल में मोड़कर उसी जय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर जो है वो छोड़ दिया। इसके बाद वो सारे के सारे लोग फरार हो गए, भाग गए। और किसी को इस घटना के बारे में, इसकी साजिश के बारे में उस वक्त कोई जानकारी नहीं मिली। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी लाश मिलने के बाद, तो पुलिस को सिरकटी लाश होने की वजह से पहले तो पहचान ही नहीं पता चली। और जब पहचान पता चल भी गई तो भी तफ्तीश में कोई क्लू, कोई लीड, कोई हेडवे नहीं मिल पा रही थी। लेकिन एक मुखबिर ने तकरीबन 4 साल बाद जब एक तांत्रिक का नाम लिया, तब जाकर धीरे धीरे इस मामले का खुलासा हुआ। अब जाकर 4 साल बाद असम की पुलिस ने इस भयानक घटना का खुलासा किया है और एक एक कर वो लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ज़्यादातर लोग इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और ये बात भी साफ हुई है कि सारे लोग जो इस तंत्र मंत्र में शामिल थे, उन सारे लोगों को मथुरा के एक आदमी ने उकसाया था, जिसने सभी को 10-10 हज़ार रुपये दिए थे। अब तंत्र मंत्र से जुड़ी एक और अहम बात बताकर मैं इस कहानी के सिलसिले को फिलहाल स्टॉप करूँगा, रोकना चाहूँगा। वो ये कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, उसके मुताबिक 2014 से 2021 तक, मतलब अब से कुछ साल पहले तक, इस देश में 103 लोगों को अलग अलग जगहों पर नरबलि के तौर पर मारा गया, यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस किया गया। तो ये आंकड़ा, ये डेटा भी अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि आज के ज़माने में जब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, जेट एज की बात हो रही है, वहाँ पर अगर कोई नरबलि दे और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे, तो उस पर अफसोस भी होता है, गुस्सा भी आता है, और ऐसे लोगों के दिमाग पर भी जो है हैरानी होती है। तो खैर, ये घटना यहीं तक। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे इंसान की इस तरह से हत्या करता है और किसी भी भगवान या देवी देवता को खुश करने की कोशिश करता है, तो मेरा जो बिलीफ या मेरा जो भरोसा है, उसके मुताबिक कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता इस तरह की हरकत से कभी खुश नहीं हो सकता। खैर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था।
हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आज़ाद है, लेकिन कानून तोड़ने की छूट किसी को नहीं है। आज की कहानी यहीं तक, लेकिन इससे पहले कि इस सिलसिले को मैं ख़त्म करूं, जो कहानी मैंने आपको कल सुनाई थी, आइए उसके कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं। आपको मैंने बताया था कि किस तरह से जबलपुर में एक शेयर ट्रेडर की हत्या हुई थी, और यह हत्या तब हुई थी जब उस शख्स का लोकेशन जो है जबलपुर से दूर महाराष्ट्र के नासिक में नज़र आ रहा था। क्या है कहानी, अगर आप जानना चाहते हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करके आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अशोक कुमार शुक्ला जी ने कमेंट किया है, उन्होंने हेलो कहा है। जसनूर सिंह जी का भी कमेंट आया है। गोल्डी गोराइया ने कमेंट किया है, उन्होंने बिल्कुल फायर बना दिया है, आई होप कि ये कॉम्प्लीमेंट ही है। जी खारिया के नाम से एक सज्जन है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। इसके अलावा विनय कुमार सिंह, इन्होंने जी खारिया ने लिखा है, प्लीज़ सर मेरे 4 कमेंट्स ज़रूर पढ़ें, आई एम सीरियस, दिल से लिखे हैं, आपसे हमदर्दी है। मेरा कमेंट दल जी डिलीट मत कर देना, मेरा काम है, आपकी मर्ज़ी, बस एक बार ज़रूर पढ़ लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जी खैरा इन सज्जन का नाम है। तो खैरा साहब, ऐसा है, सारे कमेंट्स तो यहाँ नहीं पढ़ सकता हूँ, आपने बहुत सारे कमेंट कर दिए हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, और मैं ये कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। अब आइए कुछ और लोगों के कमेंट भी पढ़ते हैं। नंदिनी डाबी जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुरप्रीत सिंह जी ने भी अपनी बात रखी है। अनिल वर्मा जी हैं, अर्चना रोगडे जी हैं, हमारी रेगुलर लिसनर हैं। गुरमैल चहल जी ने भी अपनी बात रखी है। राजेंद्र पवार जी हैं। आज मैं गुस्ताखी माफ़ करें, थोड़ी जल्दी में हूँ। जल्दी में रहने की वजह यह है कि आपको, जैसा कि मैंने बताया इस कहानी की शुरुआत में ही, आज असद अहमद का एनकाउंटर हुआ है, तो जाहिर सी बात है कुछ वर्कलोड, कुछ प्रेशर ज़्यादा है। आज तक के लिए भी जो शो वारदात जाता है उसके प्रोडक्शन में थोड़ी आज मसरूफियत, इन्वॉल्वमेंट ज़रा ज़्यादा है, इसलिए इस सिलसिले को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। राहुल चौहान जी हैं, शिशिर शंकर जी हैं, रितिका जी ने भी अपना कमेंट किया है, रोज़ कमेंट करती हैं ऑलमोस्ट, थैंक यू वेरी मच। पूनम शर्मा जी ने अपनी राय रखी है। रियाज खान, सत्तू शाह जी का कमेंट है। चंद्रिका कक्कड़ जी, रिजवाना प्रवीण, बिंदिया भट्ट भाटिया जी ने भी कमेंट किया है। मनोज कुमार जी, आशीष, सुरु चौहान, और भी बहुत सारे लोगों ने, दीपा गुप्ता, इंदु ज्योति हजारिका जी का भी कमेंट है, और ये चेन्नई से हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनके नाम से मुझे समझ में आता है कि इनका ताल्लुक ज़रूर उस जगह से है जहाँ की कहानी आज मैं आप सबको सुना रहा हूँ। भूरा राम जी का भी कमेंट आया है, और ब्यूटी लाइफस्टाइल के नाम से भी कमेंट है, इन्होंने भी बताया है कि मैं असम से हूँ। तो बिल्कुल आज कहानी असम की है। आमतौर पर असम से बहुत ज़्यादा क्राइम की खबरें सामने नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ अपराध की घटनाएं नहीं होती, घटनाएं होती ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस तरह की रिपोर्टिंग वहाँ से होनी चाहिए, आमतौर पर थोड़ा उस मामले में मुझे लगता है कि मीडिया वाले पीछे छूट जाते हैं, जिसकी वजह से हम तक भी बहुत ज़्यादा जानकारी, माइन्यूट डिटेल जो है किसी भी केस की नहीं मिल पाती, और इस वजह से थोड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स जो है आप लोगों तक नॉर्थ ईस्ट के कम पहुँचते हैं। लेकिन आज की घटना जो मैंने आप सबको सुनाई वो हैरान करने वाली है ही, और इसका इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो चौंकाने वाला है। तो खैर, आज यहीं तक, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक्य, किसी और कहानी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।